रायबरेली में मालगाड़ी और रेल इंजन के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद हड़कंप मच गया है। भिड़ंत के बाद रेल इंजन पटरियों से उतर गया। इस हादसे में दो लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मालगाड़ी और रेल इंजन के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद हड़कंप मच गया है। भिड़ंत के बाद रेल इंजन पटरियों से उतर गया। इस हादसे में लोको पायलट समेत दो लोगों के घायल होने की खबर है। ये हादसा उस समय हुआ जब NTPC के अंदर कोई हैंडलिंग प्लांट में कोला उतारने के बाद मालगाड़ी वापस जा रही है। खबर के मुताबिक सोमवार शाम को रायबरेली में ऊंचाहार स्थित NTPC विद्युत तापीय परियोजना में झारखंड की कोला खदान से मालगाड़ी कोला आपूर्ति के लिए कोला लेकर आई थी, जिसके बाद देर रात तक मालगाड़ी से कोयला को अनलोड किया जाता रहा। रात करीब 10 बजे मालगाड़ी कोयला उतारने के बाद वापस रवाना हो गई। रेल इंजन से टकराई मालगाड़ी। इस मालगाड़ी का इंजन पीछे लगा था, जिसे 4 किलोमीटर आगे अरखा रेलवे स्टेशन पर सीधा होना था। जैसे ही मालगाड़ी NTPC से रवाना हुई, तभी सामने रेल इंजन आ गया, इसलिए लोको पायलट उसे देख नहीं सका। गलत सिग्नल और ट्रैक ज्वाइनिंग की वजह से मालगाड़ी सीधा रेल इंजन से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि रेलगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। घटना की सूचना मिलते ही NTPC व रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। CISF के जवानों और रेलवे के कर्मचारियों ने देर रात में ही ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। ट्रैक पर काम चल रहा है। फिलहाल इस ट्रेन पर रेलों की आवाजाही रोक दी गई है। इस घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई रेल हादसे हुए हैं, जिसमें रेलवे की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष भी इस दुर्घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है।